मेरा नाम प्रदीप है। यहाँ राजस्थान में तो पानी नहीं होता जैसे, और बारिश भी बहुत कम होती है। किसी ने मेरी माँ को कहा कि तुम्हारे बेटा ये मनुष्य है, इसे क्या तो तुम घर से भगा दो या फिर इसकी बलि दे दो। जो मेरा गला काटने वाला था वो गले की जगह मेरे सिर पे मारा, तो मैं सिर पे अभी भी घाव है। वहीं छोड़ के चले गए। मैं सोचा कि अब मैं यहाँ से भाग जाऊंगा तो ठीक ही रहेगा। जब मैं हॉस्पिटल से भाग के आया तो होटल पे काम किया। होटल पे जब काम किया तो मालिक मारता था, जैसे कप प्लेट टूटने पर पैसे नहीं देता था और एक टाइम मुझे खाना देता। पिताजी बहुत प्यार करते थे और मम्मी प्यार नहीं करते। क्रिकेटर बनना चाहता, पर आप देख रहे हैं सिटीजन जर्नलिस्ट। अपने आसपास बदलाव की मुहिम में बच्चे किस कदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं ये हमने देखा। हमारी अगली कहानी है मध्य प्रदेश से, जहां के बच्चों ने पानी की बर्बादी को लेकर बड़े बूढ़ों की खबर लेने का फैसला लिया। हम लोग आगर मालवा शाजापुर के संस्कार एकेडमी में पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई के साथ साथ हम पानी बचाने की मुहिम भी चला रहे हैं, क्योंकि यहाँ हर रोज हजारों लीटर पानी बेकार बह जाता है। शहर में रोज सुबह मुश्किल से आधा घंटा पानी की सप्लाई होती है। नगर पालिका आगर ने शहर में पानी के सप्लाई के लिए 5000 के लगभग निजी नल कनेक्शन और 500 से ज्यादा सरकारी नल कनेक्शन लगवाए हैं। खराब नलों की वजह से हजारों लीटर पानी नालियों में बह जाता है, लेकिन नलों की टोटियां किस हाल में है इसकी परवाह ना तो नगर पालिका को है और ना ही हमारे बड़े लोगों को है। मैंने बच्चों को सुझाव दिया, शहर में लोगों को पानी की बर्बादी के प्रति जागरूकता पैदा कर सकते हैं, साथ ही सरकारी नलों में टोटियां लगवा सकते हैं। हम लोग घर घर जाकर लोगों को इस बारे में भी प्रेरित कर रहे हैं कि वो अपने घरों में खराब या टूटे नलों को बदलवाएं। हमने सरकारी नलों में टोटियां लगवाने की शुरुआत अपने शहर के वार्ड नंबर 4 से की है। इसी में नगर पालिका अध्यक्ष रहते हैं। हम इस वार्ड में सरकारी नलों में टोटियां लगवा रहे हैं। अपनी मुहिम के तहत हम नगर पालिका अध्यक्ष के पास ये जानने के लिए जा रहे हैं कि वो पानी की बर्बादी बचाने के लिए कुछ सोच भी रहे हैं या नहीं। जो नागरिकों ने उन्हें वोट पर ही कम्प्लेन करी है, लेकिन आपने कुछ कदम नहीं उठाया। नहीं नहीं, उसके लिए हम कदम उठाएंगे। लेकिन मैडम अभी तक जो पानी बहा है उसके बारे में ऐसा कोई वो विषय आया नहीं। विषय आने पर मैं पूरा कदम उठाऊंगा। अभी हम जब घूम रहे थे जब हमें बहुत सारे विषय मिले। हर वार्ड में जाके हर पार्षद को कहेंगे कि सर्वे करे और टोटी लगा। नगर पालिका अध्यक्ष ने जो हमसे कहा है शायद उस पर जल्द ही अमल हो, और अगर अमल नहीं हुआ तो हम इनके पास वापस आएंगे। साथ ही पानी बचाने के लिए हमारी मुहिम भी चलती रहेगी। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हम छोटे हुए तो क्या हुआ, काम बड़े लोगों वाला भी कर सकते हैं। मैं सिटीजन जर्नलिस्ट नमन बजाज और मैं आकांक्षा सोलंकी आगर मालवा से IBN 7 के लिए। मेरा नाम दीपक कुमार है। मैं कभी स्कूल नहीं गया। मैं कचरा बीनता था तो मम्मी से पैसा मांगता था, नशा करने के लिए आदत पड़ गई थी।